राजघाट के अंत्येष्टि स्थल पर कोरोना वायरस से पीड़ित मृतकों का दाह संस्कार करने वाले नगर निगम के दो कर्मचारियों को नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने 5001 रुपए देकर पुरस्कृत किया। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि गुरुवार रात्रि लगभग 1 बजे सीओ कैंट का फोन आया। उन्होंने बताया कि एक निजी हॉस्पिटल में COVID-19 से पीड़ित एक मरीज की मृत्यु हो गई है। संक्रमण को देखते हुए मृतक का तत्काल दाह संस्कार कराया जाना आवश्यक है। इस सूचना पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल दाह संस्कार कराए जाने हेतु निर्देश किया गया। बाबा मुक्तेश्वर नाथ मुक्ति धाम अंत्येष्टि स्थल पर मौजूद कर्मचारी महेश एवं शाहिद शाहनी द्वारा तत्काल संपूर्ण व्यवस्था कर हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार दाह संस्कार संपन्न कराया गया। रात्रि में भी अंत्येष्टि स्थल पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक का दाह संस्कार कराने वाले कर्मचारियों को नगर आयुक्त ने ₹5001 का नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की और कर्मचारियों को उनके सेवा भाव को देखते हुए शाबाशी दी तथा यह अपेक्षा की कि नगर निगम के समस्त कर्मचारी सेवा भाव से जनता की सेवा करेंगे और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया, कल रात में 12:30 से 1 बजे के बीच में जो हमारे सीओ कैंट साहब हैं उनका फ़ोन आया था, हमारे पास भी आया था, हमारे अधिकारियों के पास भी आया था कि पेनेसिया में जो नर्सिंग होम है वहाँ पर किसी की कोविड से डेथ हो चुकी है और वो लोग तत्काल ही दाह संस्कार करना चाहते हैं। जब पता लगाया गया तो वहाँ पर हमारे सारे अधिकारी और कर्मचारी, चूँकि रात के 1:30 बजे सब लोग जा चुके थे वहाँ से और निश्चित रूप से बहुत ये मतलब परेशानी का समय था कि कोई मिल नहीं रहा था उस समय, उसी समय हम लोगों ने फिर फ़ोन किया जो हमारा वहाँ पर साहिब सहनी नाम का जो एक कॉन्ट्रेक्टर का जो वहाँ का काम देखता है जो कि नौजवान है, बहुत ही गंभीर प्रकृति का आदमी है, उसको हम लोगों ने कॉल किया। उसके बाद उसने अपने जो एक वहाँ का वर्कर है महेश नाम को उसको बुलवाया और उन सबों ने तुरंत सारी व्यवस्थाएँ किया और उसके बाद जैसे ही वहाँ पर शव पहुँचा है उसके बाद उसने सारी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुरूप उनका पूरा उसका दाह संस्कार कराया जिससे कि वो परिवार भी वहाँ से संतुष्ट होके गया। तो निश्चित रूप से जब पूरी इनकी बातचीत देखने के बाद कार्यप्रणाली के देखने के बाद मैं इनकी वर्किंग से बहुत प्रभावित होके आज मैंने सबके सामने ये डिसाइड किया कि निर्णय लिया कि इन लोगों को जो है नगर निगम प्रशासन जो है 5001 रुपये की जो है धनराशि है एक मोटिवेशन के रूप में उनको देगी जिससे कि हमारे अन्य कर्मचारी भी इन कर्मचारियों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए उसी प्रकार का काम कर सकें।